कर्नाटक के सियासी संकट में नया मोड़, अब स्पीकर ने खटकाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कहा फैसले के लिए चाहिए और समय, अदालत ने कहा कल सुनेंगे मसला। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई के द्वारा की गई छापेमारी में कई अधिकारियों की खुली पोल, प्रदेश में खनन पट्टों के आवंटन में हुए घोटाले में सीबीआई ने 12 ठिकानों पर की छापेमारी। पिछले दिनों यमुना एक्सप्रेसवे पे हुए रोडवेज बस हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 मरीजों का हालचाल लेने मुख्यमंत्री पहुंचे पीजीआई, मुख्यमंत्री दोनों मरीजों को मिलने वाले इलाज से दिखे संतुष्ट। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया कार्यशाला का आयोजन, मेरठ में भी जनसंख्या रोकने के लिए जन जागरूकता। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह, अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक का सियासी संकट अब कानूनी रूप से दिलचस्प मोड़ ले रहा है। 10 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के स्पीकर आर रमेश कुमार ने भी आज अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। उन्होंने इस बारे में 2 बातें कही। पहला ये कि सभी 10 बागी विधायकों से मिलने के बाद उन्हें इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए और समय चाहिए। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें इस बारे में कोई आदेश नहीं दे सकता, लेकिन अदालत ने इस मामले पर आज सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि कल ही उनकी अर्जी पर गौर किया जाएगा। इस बीच बेंगलुरु में विधानसभा के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दरअसल आज सुबह अदालत के आदेश के बाद कर्नाटक के 10 बागी विधायक मुंबई से बेंगलुरु लौट रहे हैं। इन विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बागी विधायकों से कहा है कि वो स्पीकर के सामने पेश होने के बाद स्पीकर उनके इस्तीफे पर कोई फैसला लेंगे और स्पीकर के इस आदेश की कॉपी कल कोर्ट में पेश की जाएगी। बागी विधायकों ने कहा है कि वो उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष को नए सिरे से अपना इस्तीफा सौंपेंगे। विधायकों ने इस बात पर जोर दिया कि वे अब भी कांग्रेस में और सिर्फ विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। विधायकों ने पूरे प्रकरण में भाजपा की किसी भी भूमिका से इनकार किया। भाजपा मुख्यालय में गोवा के 10 कांग्रेसी बागी विधायक औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में सभी विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस बीच कर्नाटक के संकट पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से लगातार कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए इस मामले को उनके घर का मसला बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कर्नाटक के घटनाक्रम से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि कांग्रेस अपने ही बोझ से दबी हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि कांग्रेस से उनकी अपनी ही पार्टी संभल नहीं रही है। उनके विधायकों को वहां उनका भविष्य नहीं नजर आता, इसलिए लोग पार्टी छोड़ रहे और कांग्रेस हमें जिम्मेवार बता रही है। अब इनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कोई नहीं है पिछले 40 दिन से, तो इसके लिए बीजेपी कैसे जिम्मेवार? उनको अपने गिरेबान में झांककर देखना होगा। बीजेपी को गाली गलौज करने से उनकी स्थिति नहीं सुधरती और इसलिए ये पॉलिटिकल बैंक्रप्सी हम देख रहे हैं और बेवजह बीजेपी को इसमें घसीटा जा रहा है। कांग्रेस के इस नकारात्मक सोच की और राजनीति की हम भर्त्सना करते हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि वो अपने विधायकों से संबंध ठीक रखे और अपने विधायकों पर नियंत्रण रखे। अपनी पार्टी नेताओं से संभल नहीं रही है और आरोप आप दूसरों पर लगा रहे हो। पूरा देश इस बात को देख रहा है कि आपके विधायक खुद ब खुद इस्तीफा दे रहे हैं, कोई उनको पकड़ थोड़ी रहा है। इस्तीफा दे रहे हैं तो आदमी अपनी मर्जी से इस्तीफा देता है
और जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो वो सोच समझ के आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में सुनवाई करते हुए मध्यस्थता समिति को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत 25 जुलाई को यह तय करेगा कि इस मामले में आगे क्या करना है। मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट आने पर ही अदालत ये निर्णय लेगा कि यह सफल रही या नहीं। इससे पहले सुनवाई के दौरान निर्मोही अखाड़े ने कहा है कि मध्यस्थता समिति किसी भी फैसले पर पहुंचने में नाकाम रहा है, अब इसे संविधान बेंच द्वारा सुना जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी है कि अमेरिका के साथ भारत व्यापार से जुड़े सभी बचे मुद्दों को हल करने के लिए ओसाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच सकारात्मक बैठक हुई और इसी कड़ी में आज अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भारत में बैठक कर रहा है। इन ओसाका व्हेन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ट्रंप मेट, यू नो दे हैड अ वेरी गुड मीटिंग एंड it was decided and naturally trade was also discussed and in that meeting it was decided that officials from both sides will meet to resolve all outstanding issues related to trade. You are aware that the team is already here. It is being led by United States Trade Representative Office in charge of South and Central Asia. He's assistant US Trade Representative. His name is Mr. Christopher Wilson. We have a matching delegation from our side. It is being led by an additional secretary level officer from the Ministry of Commerce. I think it is important to keep in mind when we engage on this issue that the trajectory of the relationship remains positive. We have to keep in mind the bigger picture. And within that big picture, I think we have to address all the issues, you know, which are on the table. इसके अलावा आज विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच 14 जुलाई को बाघा में करतारपुर कॉरिडोर से जुड़े तकनीकी मुद्दों पर बातचीत होगी। Number one, I think we are fully committed to this project. We want this project to be expeditiously completed. We are aware that it involves the sentiments of the people, sentiments of the pilgrims who are going to visit the Kartarpur Sahib. As far as the infrastructure work is concerned, you know, I must again emphasize that the work on two important aspects, on the state-of-the-art passenger terminal and also on the four-lane highway which is going to connect the zero point of the Kartarpur corridor to the national highway. They are ongoing and we are hopeful that the work on these two projects will be completed in time, one by September 2019, the other by October 2019. भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई के द्वारा की गई छापेमारी में कई अधिकारियों की पोल खुल गई है। प्रदेश में खनन पट्टों के आवंटन में हुए घोटाले में सीबीआई ने देवरिया और फतेहपुर जिलों के 4 आईएएस अधिकारियों समेत दूसरे आरोपियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई के द्वारा की गई छापेमारी में कई अधिकारियों की पोल खुल गई है। प्रदेश में खनन पट्टों के आवंटन में हुए घोटाले में सीबीआई ने देवरिया और फतेहपुर जिलों के 4 आईएएस अधिकारियों समेत दूसरे आरोपियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। बुलंदशहर के जिलाधिकारी अभय सिंह पर आरोप है कि वर्ष 2012 में जब वे फतेहपुर के डीएम थे तब अवैध खनन कराने और नियमों की ताक पर रखकर 5 पट्टों का आवंटन उन्होंने किया था। कल की गई छापेमारी में इनके यहाँ से लाखों की नकदी और जरूरी दस्तावेज मिले हैं। प्रदेश के कौशल विकास निगम के एमडी विवेक के यहाँ भी महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो रही सीबीआई जांच में आई तेजी इस बात का संदेश दे रही है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम जनता के सामने आएंगे। पूर्ववर्ती सपा सरकार के कार्यकाल में खनन मंत्री के यहाँ करोड़ों की बेनामी संपत्ति ईडी ने जब्त की है। आजमगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी के आवास पर भी सीबीआई को लाखों की नकदी और कागजात मिले हैं। बरेली, शाहजहांपुर समेत विभिन्न ठिकानों पर सीबीआई की इस छापेमारी के बाद प्रदेश सरकार के मामले से जुड़े अधिकारियों का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संदेश के बाद ये कार्रवाई ये जता रही है कि आने वाले दिनों में भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। समाचार अभी और भी हैं लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। गंगे नमामि गंगे
रमता जोगी बहता पानी दोनों की यही कहानी अविरल धारा होगी जब निर्मल गंगा होगी तब सदबंधु की जान है हम है। अधिक जानकारी हेतु स्थानीय निकाय से संपर्क करें। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। छाया छाया आज तुम्हारा छाया गोली खाने का दिन है। इस साप्ताहिक गोली छाया के साथ मुन्नी को भी भरपूर स्तनपान कराया। बिना हार्मोन वाली साप्ताहिक गोली छाया को अपनाइए। परिवार नियोजन में अपनी जिम्मेदारी निभाइए। और अधिक जानकारी के लिए अपनी नजदीकी आशा से संपर्क करें। NHM और सिप्सा द्वारा जनहित में जारी। आपके पास समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2014 में कोलकाता में स्थित पंजाब नेशनल बैंक से स्टील कंपनी को दिए गए 10 करोड़ रुपए के ऋण घोटाले की जांच कर रही सीबीआई टीम आज मुरादाबाद पहुंची। मुरादाबाद पहुंच सीबीआई टीम ने कांठ रोड स्थित इंपीरियल ग्रीन अपार्टमेंट में नवी मंजिल पर फ्लैट नंबर 901 में रह रहे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक शैलेश रंजन के यहाँ छापेमारी की। सीबीआई टीम ने करीब 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद एक लैपटॉप और कुछ दस्तावेज लेकर वापस लौट गई। वर्तमान में मुरादाबाद में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक पद पर तैनात शैलेश रंजन 2014 में कोलकाता में पंजाब नेशनल बैंक सॉल्ट फ्लिप शाखा में तैनात थे। उसी शाखा ने एक स्टील कंपनी को 10 करोड़ रुपए ऋण दिए थे। वहीं सीबीआई की टीम वापसी के बाद मीडिया से बात करते हुए शैलेश रंजन ने बताया कि वर्ष 2014 में मेरी नियुक्ति कोलकाता में पंजाब नेशनल बैंक की सॉल्ट फ्लिप शाखा में थी। उस वक्त एक कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का लोन लिया था लेकिन वापस नहीं चला पाई और लोन चुकता नहीं हो पाया। उसी की जांच करने टीम यहां आई थी। ताज नगरी आगरा में औषधि विभाग की टीम ने थाना एतमादउद्दौला क्षेत्र के शाहदरा के पास मालवा ट्रांसपोर्ट पर छापा मारते हुए नकली और सैंपल की 90 लाख रुपए की दवाओं का जखीरा बरामद किया है। पकड़े गए दवाओं के जखीरे में 60 लाख की कीमत का कफ सिरप और 30 लाख रुपए की सैंपल दवाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि औषधि विभाग को कई दिनों से अवैध दवाओं की सप्लाई की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद विभागीय टीम ने मालवा ट्रांसपोर्ट पर औषधि निरीक्षक राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में छापा मारा। ड्रग इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि इन दवाओं का कोई बिल न होने के चलते ने सील कर दिया गया है। बराबर सैंपल की दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। ऐसे बिना बिल के लिया था उसके खिलाफ मुकदमा। सर कुछ ऐसी प्रतिबंधित दवाइयां कुछ ऐसी मिली है, कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं, प्रतिबंधित दवाई कोई नहीं मिली है। फिजिशियन सैंपल है, गैस ग्रुप्स है जिनके तो ट्रांसपोर्टर ने बिल नहीं दिखाए, ठीक है। बाकी जो जिनके बिल हैं उन्हें फॉर्म 15 का सील किया जा रहा है अगली इन्वेस्टिगेशन तक। बिल्कुल प्रथम दृष्टा लग रहा है क्योंकि बिल अगर ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो अगर बिल नहीं दिया जा रहा ट्रांसपोर्ट को, अगर गैस उनके ट्रांसपोर्ट की मिली वर्ष से बिल जा रहा है तो ये पूरी संभावना है कि नकली निकल सकती है। ठीक। पिछले दिनों यमुना एक्सप्रेसवे पे हुए रोडवेज बस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 2 मरीजों का हालचाल लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित पीजीआई पहुंचे। पीजीआई के निदेशक राकेश कपूर ने बताया कि पीजीआई में भर्ती 2 मरीजों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। सीरियस हेड इंजरी होने के कारण 2 मरीजों को पीजीआई में भर्ती कराया गया था। श्री कपूर ने बताया कि मुख्यमंत्री दोनों को मिलने वाले इलाज से संतुष्ट थे। प्रोफेसर कपूर ने बताया कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने अस्पताल में भर्ती प्रोफेसर विजय प्रकाश मिश्रा से भी मुलाकात की। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। अरे आशा बहन, बस देखने आई हूँ कि घर में किसी बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा? छुटकी को हल्का सा बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है ना? अरे फिर तो इसे लेकर तुरंत ब्लॉक या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों, बुखार शुरू ही तो हुआ है? अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। ये बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज कर सकता है और दिमागी बुखार में देर जानलेवा होती है। अरे बाप रे, मैं छुटकी को अभी लेके जाती हूँ। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्यशाला का आयोजन किया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। भारत चीन के बाद
विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। बढ़ती जनसंख्या के बीच संसाधनों की उपलब्धता भी सीमित हुई है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर प्रयास भी तेज हुए हैं। साल 1994 में 179 देशों ने मिलकर जनसंख्या नियंत्रण, महिला अधिकारों की रक्षा, उनके स्वास्थ्य जैसे कई मुद्दों के साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट की शुरुआत की थी। इसके 25 साल पूरे होने पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यशाला में जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के प्रयासों के बारे में चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जानकारी के प्रसार और प्रेरणा के माध्यम से ही जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई जा सकती है। उन्होंने तमाम गैर सरकारी संगठनों से इस मुहिम में जुड़ने का आह्वान किया। देश के सभी जिम्मेदार लोगों को, जिम्मेदार संस्थाओं को, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को, विशेषकर परिवार नियोजन के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को और सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को मिलकर इसको एक बड़ा जन आंदोलन बनाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान परिवार नियोजन की जानकारी से जुड़े 5 विज्ञापनों को भी लॉन्च किया गया। मेरे बताने के लिए बचा ही क्या, नए जमाने की गर्भ निरोधक। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि देश में विश्व का 2% भूभाग है जिस पर 17% की आबादी आश्रित है। परिवार नियोजन कार्यक्रम से ही जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाई जा सकती है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। हर रोज हम गांव में देखते हैं जो जमीन या शहरों में भी रहने के लिए जगह नहीं है। कमरे के अंदर अगर 2 बच्चे पैदे हो गए और 3 बच्चे पैदे हो गए, 4 बच्चे पैदे हो गए, कहाँ रहेगा बच्चा? कभी हम लोग शायद सोचते नहीं, और सोचते भी है तो हम उसके निदान के लिए आगे नहीं बढ़ते। हर वर्ग के लोग अगर इसको महसूस करें कि हमें परिवार नियोजन निश्चित रूप से अपनाना चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस, पीपुल्स अवेयरनेस जितना हो सकता है तो समाज के हर समुदाय में, हर वर्ग में इसको अपनाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में पहले के मुकाबले कमी दर्ज की गई थी। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जनचेतना से ही गंभीर संकट से निजात मिलेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपनी बातें मनवाने या सामाजिक मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए जगह जगह भीड़ इकट्ठी करके धरना प्रदर्शन करते हैं, परंतु मेरठ के तलवार दंपति से मिलते हैं जो देश की बढ़ती समस्या जनसंख्या को लेकर कोई धरना प्रदर्शन नहीं बल्कि शांति से लोगों को समझाते हैं और जनसंख्या पर रोक लगाने की मांग करते हैं। यह है मेरठ के दिनेश तलवार और दिशा तलवार, जो 25 वर्षों से देश में बढ़ती जनसंख्या के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये तलवार दंपति देश के 140 शहरों में पदयात्रा करके 2 बच्चों का कानून बनाने की सरकार से मांग के साथ लोगों को जनसंख्या से होने वाले खतरों के लिए आगाह कर रहे हैं। इनके साथ इनके बच्चे सिमरन और वंश भी काफी जगह पर शामिल रहते हैं। ये तलवार दंपति स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं, शिक्षकों को जनसंख्या के खतरों से अवगत कराते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। इतना ही नहीं, आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लोगों से पोस्ट कार्ड भी लिखवा रहे हैं, जिससे जल्द ही बढ़ती जनसंख्या पर सख्त कानून बने और देश में और खुशहाली आए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए पत्र लिखे, पोस्ट कार्ड लिखे, ज्ञापन दिए, परंतु दुर्भाग्य से आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई और हम इस मुद्दे को लेकर सरकार की आंखें खोलने के लिए कभी उल्टा चलते हैं, कभी सीधा चलते हैं, और दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि 1952 में सबसे पहले परिवार नियोजन हिंदुस्तान में लागू हुआ और आज हम 33 करोड़ से 133 करोड़ पार गए हैं, और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 25 वर्षों में हमने देश के 140 से अधिक शहरों में पदयात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। 25 सालों से हम जनसंख्या के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं और मेरा हस्बैंड, हम दोनों गंदे से गंदा मिलाकर काम कर रहे हैं। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या है। 140 शहरों में हम इस मुद्दे को लेके पदयात्रा कर चुके हैं, और एक जब हम उस शहर में जाते हैं तो वहाँ के DM से और DC से मिलते हैं और उनको एक प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन देते हैं, और हम ये बोलते हैं प्रधानमंत्री जी से कि अब जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, होने ही वाला है, क्या हो चुका है, तो प्लीज़ अब आप इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, एक कानून बनना चाहिए या इस पर कुछ ना कुछ काम ज़रूर होना चाहिए।
अपनी मेहनत और जज्बे से बाराबंकी जिले के विकास खंड मसौली में स्थित चंदवारा गांव में इंटरनेट, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे से लेकर पार्क तक की मॉडर्न सुविधाएं देने वाली गांव की प्रधान प्रकाशनी जायसवाल उन बच्चों की मदद कर रही हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। गांव में छेड़छाड़ के डर, आर्थिक बदहाली और आने जाने के सुरक्षित साधनों की कमी के चलते कई लड़कियां बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाती थी, जिसको देखकर इस गाँव के प्रधान ने ऐसी लड़कियों के लिए साइकिल बैंक शुरू किया, जिसका अब गाँव की सभी लड़कियों को फायदा मिल रहा है। अब गांव की बच्चियों ने अपनी आगे की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी है और प्रधान के पास से साइकिलें लेकर जाती हैं। दो किलोमीटर दूर गांव से जाती थी पढ़ने, तो वहाँ कहीं बच्चे छेड़खानी करते थे, लड़के लोग परेशान करते थे, तो इससे उनकी पढ़ाई बिल्कुल रुक रही थी। और बच्चों को घर से जाने में इतनी दूर पैदल लेट भी होता था, तो वर्क भी नहीं पूरा कर पाती थी, वहाँ डांट भी पड़ती थी, इसलिए बच्चियों को बिल्कुल पढ़ाई रुक गई थी। और कुछ घर से दिक्कत थी, जैसे पैसा नहीं था, तो इस तरह तो हमने कुछ लोगों से बात किया और जो है जो समाज सेवी लोग थे उन्होंने हमसे मदद हमको मदद की और हमने साइकिल बैंक खोला और साइकिल बच्चियों को बांटी, जो 15 लड़कियों को हमने साइकिल दी। हमें फ़ायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम लोग स्कूल जाते थे और मेरे पास साइकिल नहीं थी, हम लोग पैदल जाते थे और जब पैदल जाते थे तो लड़के कुछ छेड़खानी करते थे, इसलिए मुझे प्रधान जी ने साइकिल दिलाई, इसलिए हम तो लोग साइकिल से जाते हैं। तो वहाँ पर मतलब कुछ लड़के भी बैठे रहते थे जो छेड़खाड़ होती थी, जिसकी वजह से हम लोगों की मतलब स्कूल की गैपिंग होने लगी और जो रेगुलर जा रहे थे उन मतलब वो जाना बंद हो गया और स्कूल छोड़ने की नौबत आ गई, जिससे कि मतलब घर वाले भी पैसों की तंगी की वजह से साइकिल भी नहीं दिला पाए। ये बात जब प्रधान जी को पता चली तब उन्होंने साइकिल बैंक की शुरुआत की और जिससे आज हम लोग का ये फ़ायदा है कि वो डर भी मन से निकल गया और हम लोग का स्कूल रेगुलर हो गया, जो आज हम लोग फाइनल इंटर क्लास में पहुँच गए हैं। और अब समाचार मौसम से जुड़े। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान लखनऊ समेत पूरी उत्तर प्रदेश में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी यूपी में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस संबंध में और जानकारी के लिए बात करते हैं मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता से। जेपी गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बारिश को लेकर क्या संभावनाएं हैं? जी, उत्तर प्रदेश में अभी अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे अगले दो दिनों तक यानी 13 तारीख तक जो है अधिक तारीखों में बरसात होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात कम हो जाएगी, वो कहीं कहीं के लिए हल्की बरसात होगी। और जो दो दिन है यानी 13 तारीख को सुबह 8:30 बजे तक जिन जिलों में भारी बरसात होने की संभावना है वो जिले हैं रामपुर, पीलीभीत, बहराइच, सीतापुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, हैदराबाद, मऊना, भंजन, अम्बेडकर नगर, बस्ती और गोंडा, ये जिले हैं जहाँ पर की अगले दो दिनों के दौरान जो है भारी बारिश भी हो सकती है। इसके बाद जो है 13 तारीख के बाद से बरसात कम होगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है वहाँ पे बरसात की संभावना है, बाकी प्रदेश के अन्य जगहों पर बरसात हल्की तो मध्यम होगी। जी जेपी गुप्ता जी, इस पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले समाचारों की ओर। जौनपुर में बारिश से लोगों के घरों में अलग अलग स्थानों पर पानी घुस गया है। बरसात के कारण लोगों के कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। आंधी तूफान के चलते अलग अलग स्थानों पर पेड़ गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। शाहगंज नगर में सड़कों पर जलभराव के कारण व्यापार भी ठप हो गया है। भारी बारिश के चलते शहर समेत ग्रामीण इलाकों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। सोनभद्र जैसे पिछड़े और पहाड़ी अंचलों में लोगों ने अपना निजी काम समझते हुए तालाबों की खुदाई को एक नया आयाम दे दिया है। पूरे जिले में लगभग 5,000 तालाबों की खुदाई का काम पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को शुरू किया गया था। मौजूदा समय में लगभग सभी तालाब के काम अंतिम दौर में है। मनरेगा के तहत होने वाले इन तालाबों की खुदाई में जहाँ एक तरफ लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण अपने आप को इससे लाभान्वित भी महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन खाली पड़ी थी जिनका
का कोई उपयोग नहीं होता था, लेकिन इस अभियान के तहत अब न सिर्फ उन जमीनों का उपयोग हो रहा है बल्कि तालाबों के निर्माण हो जाने से क्षेत्र का जल संकट। हम लोग जल संचय हेतु इस पहाड़ी बेल्ट में जो जमीन खाली पड़ी थी सब उनके आह्वान पे हम लोगों ने एक नई शुरुआत किया इसमें, और इस तरह से जो भी नए तालाब बन रहे हैं इससे इधर का जलस्तर भी इधर के गांवों का सुधरेगा और जल संचय की दिशा में एक बड़ा कार्यक्रम है, और मनरेगा के तहत मजदूरों को इससे जो है करीब 100 मानव दिवस उनको रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत औषधि खेतों को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर उद्यान विभाग को निर्देश दिए गए हैं। दुनिया में हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण किसान परंपरागत खेती के अलावा औषधि और जड़ी बूटी की तरफ रुख कर रहे हैं। किसानों की मांग पर इस वर्ष उद्यान विभाग को पहले से ज्यादा लक्ष्य मिला है। जनपद के किसान औषधि खेती करके बहुत खुश हैं। किसानों को कहना है कि अब उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। उद्यान अधिकारियों का कहना है कि औषधि खेती से किसान अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। और मैंने जो है पहले गेहूं, फेहूं, जौ, बाजरा ऐसी खेती को करते थे, उसको बदल कर हमने ये परंपरागत खेती को बदल दिया है और हमने ये सीताबर की खेती की है जो औषधि है, जो कि हम दिल्ली एक टूर में किसानों के साथ गए थे, टिबिया कॉलेज है कोई, वहाँ उन्होंने बताया कि जो है औषधि की खेती कीजिए। हमने ये औषधि की खेती पंथनगर जाते थे वहाँ पर देखी किसानों के पास जाकर, फिर वहाँ से हम एक गाँव गए, गांव में हमने ये सीताबर की खेती देखी, वहां से हम पौध ला कर ये खेती की है। भगवान राम और माता सीता के पुत्र लवकुश का जन्मोत्सव काशी और प्रयाग के मध्य भदोही के सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी में स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लवकुश के जन्म दिवस के मौके पर सीतामढ़ी में विशेष आरती की गई। सुबह से हजारों की संख्या में भारी भीड़ उमड़ी। जिले का रामायण काल से गहरा नाता है। भदोही शहर से 45 किलोमीटर दूर गंगा के तट पर स्थित सीता समाहित स्थल आस्था और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। इसी स्थान पर माँ सीता ने अपने दूसरे वनवास के दिन काटे थे। जब भगवान राम ने माता सीता का परित्याग किया तो वे यहीं आकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहीं। यहीं पर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। लाखों की भीड़ होती थी माता सीता के लव और कुश को जन्म दिया था, इसलिए सीतामढ़ी में एक मेला का आयोजन किया जाता है जहां दूर दूर से भक्त आते हैं। उसकी शाखा कभी नष्ट होने वाला कल वृक्ष नहीं है, माँ जानकी कहाँ से लगाया हुआ है, अक्षय वट की उसकी शाखा है यहाँ। और अब बात विश्व कप की। क्रिकेट विश्व कप समेत कई बड़ी खेल प्रतियोगिताओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती ने विशेष कदम उठाए हैं। अब दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सभी मैचों का प्रसारण साइन लैंग्वेज में भी किया जाएगा, जिससे मूक बधिर खेल प्रेमी भी उनका आनंद उठा सकेंगे। भारत में क्रिकेट एक खेल ही नहीं बल्कि एक जज्बा है, एक जुनून है। हर उम्र हर वर्ग के लोग क्रिकेट के दीवाने। भारतीय टीम जब मैदान पर उतरती है तो देश के हर कोने से टीम की हौसला अफजाई होती है। कुछ लोग मैच का आनंद स्टेडियम जाकर लेते हैं तो कुछ लोग टीवी या फिर रेडियो के जरिए मैच से जुड़े रहते हैं, तो वहीं देश के ज्यादातर क्रिकेट प्रेमी डिजिटल माध्यम से मैच अपडेट लेते हैं, लेकिन मूक बधिर क्रिकेट प्रेमी इसे देख और सुन नहीं पाते हैं। प्रसार भारती ने क्रिकेट के प्रति ऐसी दीवानगी रखने वालों के लिए एक अनूठी पहल की है। इस पहल के तहत अब दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले सभी मैचों का प्रसारण साइन लैंग्वेज में किया जाएगा, जिससे मूक बधिर क्रिकेट प्रेमी विश्व कप के मैचों का आनंद ले सकेंगे। क्रिकेट के अलावा अन्य खेल प्रतियोगिताओं का प्रसारण भी साइन लैंग्वेज में दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। एक यूनिक एक्सपेरिमेंट ये किया है कि साइन लैंग्वेज के साथ सारा मैच का आंखों देखा हाल क्या हम स्टूडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं विजुअल मीडियम से। तो ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है, और जो विजुअली इम्पेयर्ड है, विजुअली चैलेंज है, उनके लिए रेडियो की कॉमेंट्री। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन लैंग्वेज एंड रेडियो कॉमेंट्री इज बीइंग स्ट्रीम्ड ऑन डीडी स्पोर्ट्स 2.0, जो सारे जो प्राइवेट केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्म्स है उस पर उपलब्ध होगा। प्रसार भारती ने रेडियो का डिजिटलीकरण करने का फैसला किया है, जिसके तहत रेडियो के श्रोताओं को डीडी स्पोर्ट्स के यूट्यूब पर जाकर मैच का आंखों देखा हाल वो सुन सकेंगे। लोक सेवा प्रसारक के इस महत्वपूर्ण कदम से रेडियो तक लोगों की पहुंच को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी, साथ ही आप कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर को भी देख सकते हैं। पहली बार जो जहां से कमेंट्री ओरिजिनेट होती है वहां पर कैमरा लगवाया,
तो यू कैन ऑल्सो सी द कमेंटेटर्स कि क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम आवाज से लोगों को पहचानते हैं बट वी नॉट नो द फेस बिहाइंड दैट वॉइस. तो ये पहली बार है कि कमेंट्री कौन दे रहा है, कमेंटेटर्स कौन है जो एक तरह से आइकॉनिक वॉइसेस बन गए हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी कैन एक्चुअली विजुअली सी देम एंड अप्रिशिएट देयर टैलेंट. जाहिर है प्रसार भारती की इस पहल से वो खेल प्रेमी भी मैच का आनंद ले सकेंगे जो सुनने या देखने से महरूम है. साथ ही देश में खेल को बढ़ावा देने में ये एक कारगर कदम साबित होगा. इसी के साथ समाचार समाप्त हुए. नमस्कार.